एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस आई वना फ्रॉम बॉक टीवी। और आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग लेके आई हूँ, जैसे आपने मेरे टॉपिक में देखा होगा। सो आई एम डूइंग समथिंग वेरी क्रेजी। सो आई एम मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर, दिस कारकोल आई मीन चारकोल मास्क एंड दिस एवरी यूथ पील ऑफ गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क, एंड विल सी हाउ इट will give the result to my skin. It damage my skin or it enhances more and more. Let's check it out. तो मैंने अभी क्या किया है, मैंने एक बोल लिया है, एक स्पैचुला लिया है मिक्स करने के लिए, और अब मैं ये ऑलिव चारकोल मास्क डालने वाली हूँ। सेम क्वांटिटी दोनों की मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं अपने स्किन पे अप्लाई करूँगी। ये टेस्ट है, देखते हैं इसका क्या रिजल्ट होता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ बुरा ना हो जाए मेरी स्किन के साथ, क्योंकि दो चीज़ कंबाइन होने पे कुछ ऐसा नहीं कि हमेशा बहुत अच्छा होगा या स्किन बहुत अच्छी एनहेंस हो जाएगी। हो सकता है कुछ वर्स भी हो जाए मेरी स्किन के साथ। सो होप फॉर द बेस्ट एंड सी क्या होने वाला है। सो आई एम गोइंग टू टेक दीज टू थिंग्स एंड मिक्सिंग विद सेम क्वान्टिटी। तो मैं स्पैचुला के हेल्प से ही इसकी क्वांटिटी ले लेती हूँ। ये एक स्पैचुला भर गया है, मैंने इसको डाल देती हूँ बोल में। एंड सेकंड जो ये वाली है एवो यूथ की, इसको भी मैं स्पैचुला में फिल कर लेती हूँ। उसके बाद रिजल्ट देखेंगे क्या होता है, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता इसका रिजल्ट अच्छा होगा क्या बुरा होगा। बस भगवान अच्छा ही हो, क्योंकि मेरी स्किन के साथ कुछ डैमेज हो गया तो गाइस प्रॉब्लम हो जाएगी, गालियाँ खानी पड़ेंगी घर से। तो ये रहा, एक और स्पैचुला मैंने भर के इसमें ऑरेंज पील ऑफ मास्क का डाल दिया है, क्योंकि कुछ रिएक्शंस भी कर सकते हैं, किसी की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है तो आप कुछ नहीं कह सकते। तो मैंने ये चैलेंज लिया है कि मैं इस चैलेंज को एक्सेप्ट करूँगी। आई मिक्सिंग टू थिंग्स टुगेदर, कंबाइनिंग मिक्सिंग एंड मेक अ डिफरेंट काइंड ऑफ फेस मास्क। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ और इसको मैं अप्लाई करूँगी, और उसके बाद इसका रिजल्ट देखेंगे ये मेरी स्किन को एनहेंस करेगा या वर्स्ट बना देगा। इसने ब्लैक कलर ही कर लिया, ऑब्वियसली ब्लैक ज़्यादा हावी हो जाएगा उस मास्क पे। सो आई एम सुपर एक्साइटेड टू अप्लाई दिस ऑन टू माई फेस। गाइस ये मिक्सचर रेडी हो चुका है, अब मैं इसको इस स्पैचुला की हेल्प से अपने स्किन पे अप्लाई करने जा रही हूँ। गॉड प्लीज हेल्प मी ब्लेस मी। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई। Yeah.
सो गाइस, अब मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और इसको सूखने तक मैं वेट करती हूँ। उसके बाद देखती हूँ मेरी स्किन, प्लीज़ गॉड हेल्प मी, ब्लेस मी प्लीज़, कुछ अच्छा ही हो, अदरवाइज़ बहुत बुरा होगा। सो अब मैं इसको सुखाती हूँ, चाहे आप किसी भी तरीके से वेट कर लीजिए। आई थिंक इट विल टेक 20 मिनट्स ऑलमोस्ट, जैसे कि इन दोनों मास्क में लिखा होता है 10-15 मिनट, तो ऑब्वियसली इट विल टेक 15 मिनट्स। सो हार्डली 15 मिनट्स बाद हम देखेंगे कि मेरा रिजल्ट क्या है। सो गाइस, ये कम्प्लीटली सूख चुका है और मैं ज़्यादा बोल भी नहीं पा रही हूँ क्योंकि मेरी स्किन पूरी की पूरी टाइट है। और फेस मास्क जब भी आप लगाते हैं तो ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर रिंकल्स जो होते हैं वो अपनी स्पेस ले लेते हैं, क्रैक्स जब आते हैं। तो अब मैं इसको उतारती हूँ और देखती हूँ, मेरी स्किन में ऐसे कोई इरिटेशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। वो हो सकता है आफ्टर इफेक्ट्स भी हो, अगर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जब आप करते हैं तो आफ्टर एप्लीकेशन भी चीज़ें हार्म करती हैं 1-2 दिन में। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है। सो अभी मैं इसको उतारती हूँ। सो ये उतर गया काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से। जो एक्स्ट्रा है इसको अब मैं अपने नेल्स की मदद से सर पे जो है उसको उतारती हूँ।
मैं अपना फेस देखूं तो कोई डैमेज तो नहीं किया है इस दो कॉम्बिनेशन वाले फेस मास्क ने। और मैं अपना फेस वॉश कराती हूँ, तो देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर है और इवन इन्हेंस हुई है मेरी स्किन की जो स्किन का जो ग्लो है। तो मैं इसको वॉश करके आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, हेयर इज़ द रिज़ल्ट एंड इट इज़ सुपर कूल। और ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था, आपके सामने है जो मेरी स्किन है बहुत ही ग्लो करने लग गई और इन्हेंस हो गई है और एकदम से बूस्ट हो गई है। जो मेरे स्किन के फेशियल्स थे और जो फेशियल हेयर्स थे वो भी ख़त्म हो गए और इसमें एक एनर्जी से बूस्ट हो गई है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप यू लाइक माई चैनल, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस। और ये एक्सपेरिमेंट पास हो चुका है, इससे कोई खतरा नहीं है। बाकी अब जब अभी नहीं रिएक्ट हुआ तो आई डोंट थिंक कि एक दो दिन में कुछ रिएक्ट होगा। और आपके सामने है रिजल्ट, इसने मेरी स्किन को बिल्कुल पॉलिश कर दिया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।